माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे डिजिटेक का नया प्रोडक्ट। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये है एक फर्नेल लेंस बोवन माउंट लाइट फोकसिंग अडॉप्टर विद बांडोर एंड हनीकॉम ग्रिड। फर्नेल लेंस आपने आपको दिखाई थी गोडेक्स की भी पहले, गोडॉक्स की ऑब्वियसली थोड़ी महंगी थी, अब ये इन्होंने कम बजट में निकाली है और काम वही करेगी। ये लाइट की बीम को कंट्रोल करती है, बोवन माउंट लाइट टैप लगा के इसको कर सकते हैं फ्लड या स्पॉट। तो इसके अंदर रोटेटेबल लेंस होती है, तो आप 17 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ये बोवन माउंट है जैसे, और रोटेटेबल लेंस इसके यहाँ से घूमेगी, जैसे जैसे घूमेगी उस हिसाब से इसका एंगल और बीम चेंज हो जाएगी, वो भी आपको करके दिखाएंगे। इतना बेसिकली इसके अंदर रोटेशन का सिस्टम है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्लड और स्पॉट को। प्लस इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, हनीकॉम, अगर आपको और कंट्रोल करना है लाइट का स्पिल तो हनीकॉम लगा दो तो और नैरो हो जाएगी और ड्रामेटिक इफेक्ट आ जाता है हनीकॉम से, थोड़ा प्रोडक्ट शूट में काम आती है, पोर्ट्रेट्स में काम आती है। प्लस उसके बाद बांडोज भी दे रखे हैं, बांडोज से भी आप स्पिल को और कर सकते हो। जैसे आपने वैसे तो उसको वो कर दिया फ्लड, लेकिन आपको उसको थोड़ा और नैरो करना है, उस हिसाब से बांडोज से कर सकते हैं बिना लेंस हिलाए। तो काफी कंट्रोल है इसके अंदर, अब इसको ट्राई कर लेते हैं। और ये भी होता है कि जब हम इसको नैरो करते हैं, जब स्पॉटलाइट पे करते हैं तो लाइट का आउटपुट भी बढ़ जाता है, वो भी एक एडवांटेज है। तो वो भी हम आपको मैनुअल मोड पे दिखाएंगे कि क्या आउटपुट में फर्क आता है। अब इसको लाइट पे लगा के आपको चेक कराते हैं। और मेटल बॉडी है सारा, कोई अच्छी क्वालिटी का बनाया है, बस बजट कम है। बजट इसका गोडॉक्स से आधे रेट पे ही है, गोडॉक्स का 14 का, तो यह 7,000 का। तो मैं आपको अब इसको लाइट पे लगा के इसके रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। इसको हमने माउंट कर लिया अब लाइट पे, और अभी है ये अपना फ्लड पोजीशन पे, तो लाइट फोकस होके आ रही है। और इसका जो 45 डिग्री का बेसिकली एंगल हो गया, जो बहुत ज्यादा फैलती है लाइट नॉर्मली कि पूरी जगह फैल जाती है, वो नहीं, कंट्रोल हो गई, लेकिन 45 डिग्री के एरिया पे आ रही है जो लाइट आप देख सकते हैं मुझ पर। अब इसको अगर हम नैरो करेंगे 17 डिग्री की तरफ, तो इसको रोटेट करेंगे धीरे धीरे, तो ये नैरो होती जाएगी बीम और फोकस्ड और हार्ड हो जाएगी लाइट। हम आपको दिख जाएगा कि लाइट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब जो है आसपास की लाइट जो है सर वो खत्म होकर सारी मेरी आ रही है, और लाइट का आउटपुट अभी हमने ज्यादा बढ़ाया नहीं रखा, आउटपुट और बढ़ा भी सकते हैं, तो आउटपुट इंक्रीज से होता है तो फायदा है इसका, काफी रेंज भी बढ़ जाती है और आउटपुट भी बढ़ जाता है और बाकी लाइट नैरो हो जाती है। ये अभी फुल पावर पे, अभी मैनुअल मोड पे कैमरा नहीं है, तो मैनुअल पे भी दिखा देंगे आपको। अब इसी पे हम जैसे ग्रिड ऐड कर सकते हैं, तो ग्रिड एक बार ऐड करके दिखा देते हैं। ये अब इसमें हमने ग्रिड ऐड कर दिए, इससे आउटपुट थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन लाइट का स्पिल और कंट्रोल हो गया थोड़ा सा। ये विद ग्रिड है, ऐसे बांडोर से अब इसका एंगल कंट्रोल कर सकते हैं, वाइड है, अगर वाइड लाइट पे आप इसको नैरो करके बिल्कुल एक जगह पे ले जा सकते हैं बांडोर से। अब इसका आउटपुट चेक और कर लेते हैं मैनुअल पे कि आउटपुट में क्या फर्क आता है ग्रिड हटा के। मैनुअल मोड पे इसका टेस्ट, लाइट ऑफ है अभी, लाइट ऑन करते हैं, और लाइट को अभी हमने उस पर करा हुआ है फ्लड पे, फ्लड पे धीरे से ही ऑन होगी, कम पावर पे ही रखी है लाइट, लेकिन फिर भी लेंस लगने से अच्छा इफेक्ट आता है। अब इसकी पावर बढ़ा के दिखा देते हैं आपको, तो फ्लड मोड पे भी पावर बढ़ी जाती है लाइट की, जबकि ISO 100 है। तो अभी ये सिर्फ फ्लड मोड पे ही आप देख सकते हैं फुल पावर पे कितनी तेज हो गई है लाइट, अब स्पॉट पे और तेज हो जाएगी। अब एक बार स्पॉट करते हैं पहले लाइट को, ये फुल पावर पे है आपका, अभी देखा भी नहीं जा रहा, तो इतनी ब्राइट हो गई है, तो स्पॉट पे आ गई है फुल पावर पे। अब इसकी पावर अगर हम कम करें तो पता चल जाएगा हमें कितने परसेंट पे हमारे को एक्सपोजर ठीक मिल रहा है, वो सबसे कम कर देते हैं पहले, आइडिया लग जाएगा उससे। तो कितने परसेंट पे आ रहा है? हाँ, तो 10-20% पे आपका, बेसिकली 10-20% पे आपका मिल जाएगा, क्योंकि इतना फर्क आ गया आपको कि भाई जूम करने से उसको लेंस को पावर आपके अप्रोक्सीमेटली 3 times तो बढ़ी जाती है। तो यही इसकी एडवांटेज है, एक तो सॉफ्ट एंड इवन लाइट आ रही है और हार्ड आ रही है, कंट्रोल्ड आ रही है। अभी बांडोस को भी यूज कर सकते हैं, तो प्राइसिंग मैंने आपको बता ही दी है, 7,000 है इसकी,
और कोरियर के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, बाकी आप स्टोर से लोगे तो यही प्राइस पड़ेगा। अवेलेबल है अभी स्टॉक में, सारी वुमेंस लाइट के साथ कंपैटिबल है किसी भी ब्रांड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।